नमस्कार, मैं दीपक पाल स्वागत करता हूं आपका HCN न्यूज में। बीजेपी पार्टी एक के बाद एक अपने चुनावी पासे आजमा रही है। बात चाहे राम मंदिर की हो या JNU की, सभी मसलों को निपटाकर बीजेपी पार्टी हर जगह अपना चुनावी परचम लहराना चाहती है। लेकिन राजनीतिक मुद्दा कुछ भी हो और विपक्ष उस पर सवाल ना उठाए ऐसा हो नहीं सकता। हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल की ओर से रेलवे में अगले 2 साल में 4 लाख भर्तियों की जानकारी दी गई, लेकिन कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने इसे एक जुमला बताया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा, मोदी सरकार की ये झूठी पैंतरेबाजी हर चुनावी समय में देखने को मिलती है, लेकिन बस अब जनता को लुभाना और भटकाना बंद करो। आपको बता दें कि अंधे की लाठी की तरह कांग्रेस को भी प्रियंका गांधी का साथ मिला है। आपको बता दें कि कांग्रेस में प्रियंका गांधी की वापसी से कांग्रेस की लड़खड़ाती पार्टी को सहारा मिला है और कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता को कहना है कि अब पलटवार की बारी कांग्रेस की है। 60 साल से ज्यादा की सरकार रहने वाली कांग्रेस ने दावा किया कि मोदी सरकार की जुमलेबाजी में अब लोगों को फंसने नहीं देंगे। मोदी सरकार सिर्फ जुमलेबाजी की राजनीति करती है, ये कांग्रेस के पार्टी प्रवक्ताओं का कहना है। आपको बता दें कि रेलवे में 2,30,000 वैकेंसी निकाली जाएंगी। पीयूष गोयल ने यह भी बताया कि रेलवे में अभी 1,32,000 भर्ती के पद खाली हैं। 2 साल में 1 लाख लोग रिटायर होने वाले हैं, फिर कोई भी रेलवे का फॉर्म भर सकता है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के 10% आरक्षण का फायदा यहां भी लोगों को मिलने वाला है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि 23,000 सीटें पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षित की गई है। उनका ये भी कहना है कि रेलवे ऐसा पहला सरकारी विभाग है जिसने पिछड़े लोगों के लिए सबसे पहले आरक्षण की घोषणा की है। अब देखना दिलचस्प यह हुआ कि कांग्रेस की इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर सच में ये बात जुमले का हिस्सा बनकर रह जाएगी। जो लोग हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूले और ना ही बेल आइकन को दबाना भूले। धन्यवाद।